आपको बताते हैं ब्रिक्स इजलास के हवाले से, चूंकि ब्रिक्स ममालिक का इजलास आज होने जा रहा है जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, और भारतीय वक्त के मुताबिक जब बाद दोपहर इजलास होगा तो वर्चुअल इजलास में आज एक बार फिर दहशतगर्दी, तिजारत, आपसी शराकतदारी मुख्तलिफ शोबों में और बिलखसूस अफगानिस्तान का मुद्दा आज सर फहरिस्त रहने वाला है। गौर जी हाँ, आज के दिन की जो खास जो बड़ी खबर है जिसकी सबकी नजरें मरकूज रहेगी वो ब्रिक्स ममालिक का इजलास है, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास की शिरकत करेंगे। वर्चुअल मोड पर ये इजलास होगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी इस पर खास बात होगी और साथ ही साथ दहशतगर्दी, आपसी शराकतदारी को लेकर बात होगी, और इसमें ब्राज़ील के प्रेसिडेंट वो भी शामिल होंगे और साथ ही साथ चाइना के प्रेसिडेंट होंगे और रशिया के भी सदर के साथ ही जो इजलास होगा ये सदूर जो है इस इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास की वो सदारत करेंगे, वर्चुअली तौर पर इस इजलास वो ये इजलास मुनक़द होगा। वज़ारत खारजा की तरफ से जानकारी दी गई है 13वां इजलास है ब्रिक्स ममालिक का। ब्राज़ील के सदर आज की इस तकरीब का यानी वर्चुअल मोड के जरिए जो इजलास होगा 13वां उसका हिस्सा होंगे जॉल बोल्सोनैरो। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा आज की तकरीब में हिस्सा लेंगे, इजलास में शिरकत करेंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि वर्चुअल मोड के जरिए अपनी बात रखेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग आज के इस इजलास में शिरकत करेंगे और इसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी भारत की नुमाइंदगी उनकी तरफ से की जाएगी। काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला और शराकतदारी या फिर जो प्रिवेंटिव मेजर खत्ते के अंदर जो सलामती सूरत हाल बन रही है वो उठाए जाने हैं, उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है।